हाँ भाई बच्चो, हाउ आर यू? क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग सर। हाँ इवनिंग। पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो सारा समझ में आ गया था तुम्हें? यस सर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये बताओ, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है ना, उसमें पाथ डिफरेंस क्या होता है? जीरो जीरो। और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच में के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है? बोलो। लैम्डा लैम्डा। और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए? बहुत टू लैम्डा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। हेडिंग एक चीज और देख लेते हैं। ये दो सोर्सेज हैं, S1 और S2। इस बार स्क्रीन इधर है, ठीक है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। ये मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ कि डी इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल डी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे हूं और यहां से इस पॉइंट पे हूं तो लगभग ये जो दोनों रेज होंगी ये क्या होंगी? लगभग पैरेलल जैसी होंगी। सर कौन सी दो? एक मिनट, बोल रहा हूँ ये वाली रे S1P और S2P लगभग पैरेलल होंगी अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू ये। यस सर। ये डिस्टेंस तो अगर मैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस देखूं तो यहां से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं और मैं ये कहता हूं अगर दिस इज थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा, लगभग पैरेलल रेज ही है। हाँ है ना, यस सर। ये पाथ डिफरेंस होगा। ये डिस्टेंस कितनी है? डी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? बहुत डी कॉस थीटा। बढ़िया। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स एन लैम्डा। एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो डी कॉस थीटा आ जाएगा। आया ना? क्या बात समझ में आई? ये नहीं, तो एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? एन लैम्डा बाई डी आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक नो सर। है। अब एक चीज सोचो, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ेगा एन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। लैम्डा बाई डी तो फिक्स रहता है, एन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज। तो अगर मान लो ये जो डी है ये 10 लैम्डा के बराबर है तो तुम खुद सोचो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 10 लैम्डा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? 9 लैम्डा। यहाँ पे 8 लैम्डा, 7 लैम्डा, 6 लैम्डा।
फाइव लैम्डा, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? नाइन लैम्डा, एट लैम्डा, सेवन लैम्डा, दैट इज, इस बार आप सेंटर से दूर जाओगे तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज क्या होगा? घटता जाएगा, हाँ है ना? क्या होता जाएगा ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, क्या होता जाएगा? कम होगा, कम होगा, क्या बात समझ में आई? नहीं, अब किसी के लिए भी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एन बाई डी, बात समझ में आई नहीं? सर ऑर्डर के कम होने का क्या मतलब है? जैसे ये क्या है, टेन है, ये नाइन्थ है, ये एट्थ है, तो एक्चुअली जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज घटता जाएगा। ये नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे इसको, एट्थ ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, आई बात समझे? वरना दोनों सोर्सेज अगर ऐसे होते थे तो ये सेंटर होती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ या ना? उस केस में ऑर्डर बढ़ रहा था इसका। यस सर, अभी भी नहीं आई बात समझे? सर ऑर्डर का कुछ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है क्या? है ऑर्डर का इंटेंसिटी पे कुछ फर्क पड़ता है? देखो यार, कभी भी तुम इससे दूर जाओगे ना तो इंटेंसिटी कमी होती जाएगी। ओके सर, क्या बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक। तो जब ऐसे सोर्स हो तब भी तुम आराम से सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है? बस मेन चीज क्या है, आपको क्या फाइंड करना है? पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। आगे बात समझे? यस सर। कई बार पूछते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी, ये बताओ कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वन। तो एन इंटू लैम्डा बाई डी की वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होगी? वन ही होगी। तो एन क्या हो जाएगा? डी बाई लैम्डा, आया ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लो, आया ना? ये वैल्यू आ जाती है मान लो 5.4, तो आपको कितनी फ्रिंजेस मिल दिखाई देंगी? 5, 5 ऊपर 5 नीचे, आया ना? यस सर। अब समझ में आ गया? ये सिंपल है, मतलब ये तो जिसे बोलते हैं ना एप्लीकेशन पार्ट है। आज हम कर रहे हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस, क्या कर रहे हैं? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब ये देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता क्या है, तुमने नाम सुना है पहले थिन फिल्म इंटरफेरेंस का भी? यस सर। क्या होता है सर? नाम सुना है भी आपने बोला। अच्छा, नाम ही सुना है, तो मैंने ही सुना दिया। अब देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, कभी तुमने बर्तन धोए धूप में बैठ के? ऑयली बर्तन? नो सर, धूप में नहीं धोए। ठीक है, मतलब तो जब तुम धूप में अगर कभी बर्तन धोओगे ना तो तुम्हें उसके ऊपर ऑयल स्लिक दिखाई देगी, पानी के ऊपर उसमें आपको कलर दिखाई देंगे। बारिश के अंदर स्कूटर ऐसे ऐसे तो बारिश में भी दिख जाते हैं। बिल्कुल, ऑयल गिर जाता है तो उसपे कलर दिखाई देते हैं, हाँ या ना? यस सर। इसको हम क्या बोलते हैं? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में होता क्या है वो समझो। ये है थिन फिल्म लेकिन दिखाई नहीं दे रही है थिन है, क्योंकि ज्यादा थिन बना दूंगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि ये कहां से आ रही है, कहां से जा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस इसकी टी है, इस फिल्म की। यहां से एक रे अंदर आई तो आपको पता है कुछ पार्ट तो क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, और कुछ पार्ट क्या कर जाता है बोलो? कुछ पार्ट क्या कर जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, ट्रांसमिट करता है, हाँ या ना? यस सर। इसमें भी आगे कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट करेगा, और कुछ पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें से कुछ पार्ट क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और कुछ पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। अब सुनो, आपके पास ये इंसिडेंट रे आई, ये जो इंसिडेंट रे आई, अब आपको ये मैंने एक ही रे दिखाई है, एक रे और दिखाता हूं। मान लो एक और रे यहां से आई होती, ब्लू कलर ले लेते हैं, एक और रे यहां से आती, फिर ये टकराती, फिर ये टकराती, तो ये जो जैसे यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है यहां से भी एक रिफ्लेक्ट होती होगी,
वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर कर सकती है। बात समझ में आई है नहीं आई? ये तो मैंने एक ही बनाया ना, ऐसे सबसे खूब सारी साइमल्टेनियसली खूब सारी रेज हैं, तो आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे ना। एक क्या करेगी, यहां से टकरा के गई, एक क्या अंदर से घूम कर आई, हाँ है ना। तो जो घूम कर आई ना, अब हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इफ दिस इज एंगल आई, दिस इज ऑल्सो एंगल आई, सो दिस इज एंगल आर, सो दिस इज ऑल्सो एंगल आर, दिस इज ऑल्सो एंगल आर। ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाली, जल्दी बोलो। टी सेकर, बिल्कुल टी सेकर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी, टू टी सेकर। तो ये कलर वाली लेंथ हो गई टू टी सेकर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाली जो रे है ये अंदर इतना एक्स्ट्रा चली है, बाहर देखो तो बाहर यहां से इसके, जब तुम बाहर आ जाओगे बाहर ये वाली एक्स्ट्रा चल रही है इसके कंपैरिजन में ऊपर वाली। यस सर, ये एंगल आई है, ये 90 माइनस आई होगा, तो ये आई होगा। यस सर, मेरे को भी बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी ये टी है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10 आर इक्वल टू, ये डिस्टेंस मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ही आएगा। सर एक बार रे जब बाहर निकल गई उसके बाद बताना फिर से। मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ ये निकाल दी सर। मैं बोल रहा हूँ ये जो रे बाहर निकल गई और ये टकरा के यहाँ जा रही है, ये वाली देखो यहाँ पे टकराई, एक इधर गई, एक अंदर चलने के बाद में, इधर चलने के बाद में ये इधर से बाहर आई। इसके जो बाहर है ये वाली एक्स्ट्रा चल रही है बाहर। यस सर, इसके कंपैरिजन में ये वाली ज्यादा कब चल रही है, इसके अंदर से तब एक्स्ट्रा चल रही थी। यस सर, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं कहता हूं कि ये मैंने कह दिया डेल्टा एक्स वन और ये जो पाथ डिफरेंस है इसको बोल दिया डेल्टा एक्स टू, तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, डेल्टा एक्स वन माइनस डेल्टा। बिल्कुल यही बात है, अब समझ में आ गई जो मैं बात कर रहा हूँ। यस सर, ठीक है। अब मैं ये चीज कैलकुलेट, डेल्टा एक्स टू कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई है, टी टेन आर आ गई है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आई है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी डेल्टा एक्स टू कितनी आ जाएगी, बोलो कितनी आ जाएगी, टू टी टेन आर, टू टी टेन आर इंटू, ये हाइपोटेन्यूज है, इंटू साइन आई। यस, नहीं आई बात समझे, सर पक्का? तो डेल्टा एक्स टू किसके बराबर आ गया, टू टी टेन आर इंटू साइन आई, ठीक है। यहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, यहां पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, वन इंटू साइन आई, या फिर इसका म्यू वन बोल दो, इसको म्यू टू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू इंटू साइन आर, कोई प्रॉब्लम इसमें? साइन आई को क्या लिख सकता हूं,
बोलते जाओ। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इफेक्टिव पास डिफरेंस जो होगा इनके बीच में वो किसके बराबर आएगा? डेल्टा एक्स वन में से डेल्टा एक्स टू को माइनस कर दूं? बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। डेल्टा एक्स वन किसके बराबर है? और डेल्टा एक्स टू किसके बराबर है? बोलते जाओ। 2t tan r sin r। क्या आएगा ये? न्यू साइन आर। यार ये बात तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो मैं एक दो स्टेप खाना चाहता हूँ, देखो अगर तुम रेडी हो तो मैं खा जाता हूँ। समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर वापिस बताना ही पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ गया ना? साइन बाय कॉस, साइन आर इनटू साइन आर साइन स्क्वायर आर, और नीचे कॉस आर, आया ना? यस सर। यस सॉल्व हो गया, कितना बढ़िया बनेगा। इसमें से क्या क्या चीज कॉमन आ जाएगी? टू टी divided by cos divided by cos divided by cos r। चलो एक चीज और बताता हूँ, एक चीज बताओ, ये तो एक्चुअली में ये लेंथ आई है, हाँ या ना? ये तो इस म्यू मीडियम में चली है ना, अगर ये वैक्यूम में चलती तो कितना डिस्टेंस चलती? वैक्यूम में चलती तो कितना डिस्टेंस चलती बताओ? म्यू टी कितना चलती? देखो एक पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके अंदर टी डिस्टेंस चलती है, तो एक्चुअली में ये एयर में कितना डिस्टेंस चलती? म्यू इनटू टी चलती, इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसमें कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना था वो पता चल जाता, आया ना? यस सर। तो अब मैं यही बात कह रहा हूँ तुम्हें कि ये जो मैंने डेल्टा एक्स वन कैलकुलेट किया, डेल्टा एक्स वन जो कैलकुलेट किया वो ये किया, पर ये तो चला तो इसके अंदर है, तो इफेक्टिवली मेरे को इसको किसके अंदर चलाना पड़ेगा? वैक्यूम। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? म्यू से, आया ना? यस। अब मेरे हिसाब से सारी चीजें इसमें भी म्यू आ जाएगा साथ में, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब देखो क्या आ जाएगा, ये क्या क्या, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर, ये क्या आ जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर आर। ये बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर आर किसके बराबर होता है? सर कॉस स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा फाइनली, आया ना? यस सर। अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर हुआ तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। और अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा बाई टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू के बराबर हुआ तो कैसा मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव। बस एक बार लिख लो यार, डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है, लास्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिख लो तब बताना।
बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझना तुम, देखो जब भी वेव डेंसर मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट करती है, थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, मैंने कंडीशन दी है म्यू वन इज लेस देन म्यू टू एंड म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू थ्री। एवा बताओ जो वेव यहां से टकरा के इधर जाएगी उसमें कोई फेज का चेंज होगा या नहीं होगा? फेज का चेंज आएगा या नहीं आएगा? सर रिफ्लेक्टेड वाली में, हाँ रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड में तो कभी चेंज आता ही नहीं है। तो देखो ये डेंसर मीडियम है ना, तो जब भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है तो पाई का फेज चेंज आ जाता है। समझ में आई बात? आई बात समझ में? जो वेव अंदर गई उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब बताओ ये यहां से टकरा के बाहर जाएगी तो कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? अब दिया हुआ ना म्यू थ्री तो रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से जब टकरा के आती है तो नो चेंज। ये बात समझ में आई है नहीं? Yes. अब एक्चुअली आपका जो पाथ डिफरेंस आया था यही आया था टू म्यू टी कॉस आर। अब आपकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जो चीज थी ना वो एकदम इंटरचेंज हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि अगर ये डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर है तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन के कारण, एक जगह रिफ्लेक्शन के कारण चेंज आया, एक जगह नहीं आया, तो जस्ट आपकी जो फेज चेंज है ना वो कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी। हाँ है ना? अब जहां पे भी एन लैम्डा आएगा वहां पे क्या होने लग जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जहां पे भी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, भाई इसके कारण जो चेंज आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 7 पाई, 5 पाई, 11 पाई, और पाई का ये चेंज और चीज ऐड कर दो तो कैसा इंटरफेरेंस होने लग जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। क्या लॉजिक समझ में आ गया? सर ये नो चेंज वाला रिपीट कर दो। जब भी कोई वेव डेंसर मीडियम से टकराती है, डेंसर से टकराती है तो पाई का चेंज आता है, जब भी रेयर से टकराएगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, ये 2 है और ये 5 है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो चेंज आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये रेयर मीडियम हो गया। सर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। हाँ ये तो हमेशा ऐसा ही होता है, वेव में भी तो पता है ना, रस्सी एक एंड से बांध रखी है, वेव भेजोगे रिजिड पॉइंट से टकरा के वापस उल्टी होकर आती है, पाई का चेंज आता है। यस सर, बस यही लॉजिक है इसमें भी। समझ में आ गया? एक बार देख लेते हैं, ऐसा टेंशन क्यों ले रहा क्या क्या इसमें यार, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ।
क्या एंटर हुआ पता ही नहीं चला। मैं एकदम देखते ही बता दूंगा कौन सा वीडियो है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर, आ गया। थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। सर वॉइस क्रैक हो रही है। आप ठीक है? ठीक है। क्या बेटा, क्या कह रहे हैं? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ। एक मिनट दो। एक मीडियम बीच में और फिर आगे एक थिन फिल्म दिखाइए, फिर ऐसे रह जाएगी। अब देखो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन सब के एक मीडियम, टू मीडियम, थ्री मीडियम आया ना, अब तो ठीक है। सर आपकी आवाज कम हो गई है अभी भी। अब एक चीज देखो, क्या आवाज नहीं आ रही? क्या मेरी कम आ रही है? कम आ रही आवाज? एक मिनट रुको। आवाज कम आ रही है? हाँ अभी आ रही हो आवाज? यस सर, बेटर। अब देखो, अब तुम देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है ना, तो जो रे टकरा के आएगी ना, वो देखना उल्टी होकर आएगी, इसमें से रिवर्स होकर आएगी। देखो थिकनेस चेंज करोगे तो वेव पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा। हाँ है ना, बात समझ में आ रही है? म्यू चेंज करने से भी तो लैम्डा चेंज होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी वेव की, इसलिए म्यू टाइम्स टी करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? म्यू चेंज होने से कैसे लैम्डा चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी ना।
अब यहां पे देखो तुम, एक बढ़िया चीज है यहां पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, तो जो रे टकराएगी ना वो पल्स रिवर्स होकर आ रही होगी। ये मैं तुम्हारे लिए ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, ये वीडियो। ओके सर। ओके सर। तो बस ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे यार, बस इसके अंदर ये सारा का सारा वीडियो देखना तुम, बढ़िया वीडियो है एकदम। ओके सर। ठीक है चलो मैं ये डाल ही दूंगा, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया खत्म। अभी एक टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे क्या, पोलराइजेशन। सर लास्ट टॉपिक है ये, इसमें एक डिफ्रैक्शन भी है बेटा, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं तुम्हें पोलराइजेशन करवा दूँ। आई बात समझे? ओके सर। पोलराइजेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको भी यार दिखाई देते हैं फटाफट, समझा देते हैं, बाद में बता दूंगा, उसी पे बता देता हूँ। दोनों चीजें बता दें, हाँ ये बात तो दिखाई दे रहा है, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो। अब यस सर, क्लियर है। क्लियर है, उल्टा बना रखा है यार इसने, उल्टा बना दिया इसने। चलो सुनो, तुम ऐसे सोचो बनाया इसने उल्टा, ये क्या करें, तो सुनो, ट्रांसवर्स वेव आपके पास, अगर ये स्लिट है, अगर इसमें से मैं एक ऐसी वेव भेजू तो ये वेव इसके से इसके थ्रू पास हो जाएगी ना, यूं ऐसी की ऐसी, हाँ है ना, लेकिन अगर मैं एक ऐसी वेव भेजू तो वो इसके थ्रू पास नहीं होनी चाहिए, इसने उल्टा बना रखा है, क्या बात समझ में आई है, नहीं इसके थ्रू, हाँ भाई। यस सर। अब जब
अगर मान लो आपने ऐसी स्लिट बना रखी है और आपने ना इसके थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव भेजी तो हमेशा से पास हो जाएगी। जैसे ये स्लिट्स है, इन स्लिट से ऐसे प्रेशर वेव जाए तो पास हो जाएंगी। इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कोई फर्क पड़ता है क्या इस बात से? नो सर। लेकिन अगर मान लो एक रस्सी है मेरे पास और ये स्लिट ऐसी है, तो इस रस्सी को अगर मैं यूं ही लाऊंगा तो इधर से वेव आगे जाएगी क्या? यूं ही लाऊं तो? नो सर। ये पॉइंट डिस्प्लेस यूं रखूं और फिर इसको यूं ही लाऊं, तब तो वेव आगे जाएगी? यस सर, निकल जाएगी। ये इतनी बात समझ में आ गई? तो पोलराइजेशन का मतलब होता है, आपको पता है कि ये बात समझ में आ रही है तुम्हें कुछ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके फॉन्ट को थोड़ा डार्क कर दो, दिख नहीं रहा हूँ, थिकनेस को प्रॉब्लम आ रही है। अभी दिखाई दे रहा है सर? कोई डार्क कलर सेलेक्ट कर दो, ये थोड़ा से क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, चेंज करेंगे भैया, ब्लैक से लिख दीजिए। कोई बात नहीं, अब सुनो, अब दिखाई दे रहा आराम से? Yes. ये लॉजिक समझ में आ रहा है? एक वेव इस तरह से जा रही है और एक वेव ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ या ना? और जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी जाती है वो जाती है ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में वेव जाती है। ये बात समझ में आई है नहीं? यस। ये तो पता है ना, उसमें पढ़ाया था ना तुम्हें ई वेव में। तो सबसे पहले जो ट्रांसवर्स वेव है वही पोलराइजेशन इफेक्ट दिखाई देती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं दिखाई देगी। ट्रांसवर्स वेव होगी, इधर यूं भेजोगे वेव आगे नहीं जाएगी, यूं करोगे वेव आगे चली जाएगी, हाँ है ना? तो पोलराइजेशन इफेक्ट सिर्फ कौन सी वेव दिखाती है, बोलो भाई? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव दिखाती है। ये बात समझ गई? अब बात ये है कि मान लो ये मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रीन वाली आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव की दर जा रही है फर्स्ट डायरेक्शन में या सेकंड में? किधर जा रही है वेव, ये बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट में क्यों? क्योंकि ई क्रॉस बी करना आपको, हाँ या ना? तो ई इधर है, बी इधर है, तो ई क्रॉस बी, तो वेव इधर जा रही है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा? चार्ज पार्टिकल इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होगा या फिर इस प्लेन में? रेड या ब्लू? रेड। रेड, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये बात समझ में आई नहीं? और रेड वाले को क्या बोलते हैं? तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल उसी प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ, बोलो, पोलराइजेशन। लॉजिक समझ में आ गया?
अरे ब्लू वाले को बोले मैंने, ब्लू वाले को। अच्छा उल्टा बनानी है यार। ठीक है तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। और जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, अगर ये बात समझ में आई गई है तो ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो क्या ये पोलराइजेशन इफेक्ट दिखाएगी? यस। तो मैं एक ऐसी भी जो चीज कह सकता हूँ, अगर कोई वेव पोलराइजेशन इफेक्ट दिखा रही है, इसका मतलब वो कैसी वेव है? ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? ट्रांसवर्स। तो आपको बता दूं, विजिबल लाइट है ना, वो पोलराइजेशन इफेक्ट दिखाती है। इससे पता चलता है कि विजिबल लाइट क्या है, ईएम वेव का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? ट्रांसवर्स। ये बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई सबको अच्छे से है? Yes. अच्छे से एकदम पक्का? Yes, sir. तो आगे देखो, तो अब एक चीज समझो, अगर यहां से आपके पास लाइट आ रही है, तो लाइट तो एक बीम है, हाँ है ना? तो एक लाइट सोर्स है, उसके अंदर कोई जैसे बल्ब है, बल्ब में कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट किया होगा, कोई ऐसे किया होगा, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो अगर आपके पास इधर रे आ रही है, यू बीम आ रही है, तो उसके अंदर ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, हाँ है ना? बात समझ में आई? ये नहीं आई, मतलब इधर से बीम आ रही है, अगर आप इसको यू क्रॉस सेक्शन काट दो, एक स्लाइस कर दो, तो आप देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यू भी मिलेगी, ऐसे मिलेगी, हाँ है ना? तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट को क्या बात समझ में आ गई? अब अगर मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, और इसमें यूं स्लिट बना दूं मैं, तो इसमें से ये वाइब्रेशन गायब हो जाएंगे। सिर्फ कौन से वाइब्रेशन आ जाएंगे? ये वाले वर्टिकल। Yes. तो आगे जब आएंगे तो आपको ये वाइब्रेशन ऐसे दिखाई देंगे। तो ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि अब इसके आगे आप कोई भी क्रॉस सेक्शन काटोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही होगी, हाँ या ना? यो कर दोगे तो आपको यो मिलेगा, अगर इसको यो कर दोगे इसके थ्रू। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। तो यो ही सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? Yes. तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलराइज लाइट, हाँ है ना? ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलराइज लाइट। तो व्हाट इज पोलराइजेशन? क्या होता है पोलराइजेशन? पोलराइजेशन क्या होगा? इट इज अ कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन ए सिंगल प्लेन इज नोन एज पोलराइजेशन, हाँ है ना? लिखो पोलराइजेशन। देखो इट इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन एन ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन एन ईएम वेव एट ए पॉइंट इज कन्फाइंड इन ए सिंगल प्लेन।
is confined in a single plane is known as polarization. समझ में आ गई बात? अब देखो क्या क्या हो सकता है. अब मेरे पास समझना, मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है. इस चार्ज पार्टिकल अगर मैं ऑसिलेट यूं करूं तो यूं इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको आगे आती हुई आपकी तरफ. दैट इज यूं ऑसिलेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं मिलेगी आपको. हाँ या ना? क्या बात समझ में आई सबको? अगर मैं इसको यूं ऑसिलेट करूं तो आपको यूं इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेशन में दिखाई देगी आगे वेव. यस. तो अब सुनो, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यूं ऑसिलेट करूं, ध्यान से देखना बताना क्या होगा. ये चार्ज पार्टिकल है मान लो, इसको मैं यूं ऑसिलेट कर रहा हूं. समझ में आई बात? दैट इज आपने स्टेयर केस देखी है, स्टेयर केस, स्पाइरल स्टेयर केस, डीएनए का स्ट्रक्चर. यस. तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा कुछ. यस. तो कहीं से भी आप काटोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो एक ही प्लेन में, लेकिन होगा क्या, इस पॉइंट पे इस प्लेन में मिलेगी, थोड़े से आगे वाले प्लेन के अंदर इस प्लेन में मिलेगी, थोड़े से और आगे वाले में कुछ इस प्लेन में मिलेगी. हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज लाइट. इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, सर्कल लगा दो. ये कैसी वेव, कैसी पोलराइज लाइट है? सर्कुलरली पोलराइज लाइट है. इसमें भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप काटोगे, इसमें इस प्लेन में मिला तो इसके आगे वाले इस प्लेन में मिलेगा, उससे आगे वाले में इस प्लेन में मिलेगा, फिर इस प्लेन में मिलेगा. ये लॉजिक समझ में आया? बोलो भाई. yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. अगर मान लो, अब बताओ ये जो वाइब्रेशन है इस प्लेन में ज्यादा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर यूं हुआ, फिर इसे लार्ज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका एनवलप कैसा बनेगा, कैसा देखने में? एलिप्स. एलिप्स. तो इसे क्या बोलते हैं, कैसी पोलराइज लाइट है ये? इलिप्टिकल. इलिप्टिकली पोलराइज लाइट. समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया सर्कुलर पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट. समझ में आ गई बात? ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है. समझ में आ गया? रीडिंग तो तुम लगाई लोगे, है ना? सिर्फ समझा रहा हूं मैं तुम्हें. अब देखो ये तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई. पोलराइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस. तुम्हें पता है कि चश्मे भी आते हैं पोलराइज चश्मे भी आते हैं, पता है तुम्हें ये बात? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि 3D मूवीज कैसे देखते हैं. सबसे पहले तो पोलराइज चश्मे कैसे होता है, जो पोलराइज चश्मे होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो ऐसे पोलराइज होते हैं, मतलब जब कोई वेव टकरा के आपकी आई में आएगी ना, वो ऐसे वाले वेरिएशन तो आ जाएंगे, पर ये वाले वेरिएशन आपकी आई में नहीं आ पाएंगे. हाँ या ना? इससे क्या होगा कि आपकी आंखों में ग्लेयर नहीं पड़ेगा. तो धूप के अंदर जब आप स्नो में होते हो ना, तो जनरली लोग है ना जो ग्लासेस यूज करते हैं वो पोलराइज होते हैं, तो क्या करते हैं कि धूप के अंदर आपको क्लियर नहीं पड़ेगा आंखों में. क्या बात समझ में आई है? नहीं. यस. तो वो पोलराइज होता है. अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि 3D मूवीज कैसे देखते हो आप, उसका क्या प्रिंसिपल है. तो उसका प्रिंसिपल सुनो, बड़ा जबरदस्त है. बात यह है, अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, जैसे मान लो इस बॉटल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर आप एक आई बंद कर दोगे, एक आई बंद कर दोगे तो आपको सिर्फ इधर की दिखाई देगी चीज, दूसरी आई बंद कर दोगे तो इधर की चीज दिखाई देगी. हाँ या ना? yes. और अगर दोनों खोल दोगे तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो तीसरी चीज डायमेंशन आप खुद सिंथेसाइज करते हो हमेशा दिमाग में, ठीक है?
तो जो बंदा एक जो जिस बंदे की एक आंख काम नहीं करती ना, उसको दुनिया 2D होती है उसके लिए, दिखाई उसको 2D देता है, ठीक है। तो 3D सिंथेसाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो पर्सपेक्टिव चाहिए, तीसरा पर्सपेक्टिव दिमाग क्रिएट करता है। तो तुमने देखा होगा चश्मा हटा के अगर आप देखोगे 3D मूवी को, आपको डबल डबल इमेजेस दिखाई देती है, हाँ या ना? यस यस। अब खास बात सुनो, उसके अंदर क्या दो इमेज होती है एक साथ, एक इमेज होती है जैसे बॉटल है ना, इस साइड वाली को देख के बनाई है, एक इमेज ये वाली है, एक इस वाली आई से एक इमेज ये वाली है। अब ये दोनों इमेज डाली जाती है स्क्रीन पे, आपके जो चश्मा है ना, एक चश्मा यू पोलराइज है, एक चश्मा यू पोलराइज है, तो जो इधर से देखने वाली इमेज है ना, वो मान लो ये वाली पोलराइज है, तो ये वाली रेज तो इसके अंदर आ जाएंगी, हाँ है ना, और इधर वाली जो इमेज बनी है ना वो यू पोलराइज है, तो ये वाली इसमें आएगी नहीं। तो एक आई के अंदर एक पर्सपेक्टिव की इमेज सिर्फ ये वाली पोलराइज होगी, तो एक आई में यही आएगी, एक वाली यू पोलराइज है तो दूसरी लेंस में ही आएगी। तो जो लेंस है ना, एक यू पोलराइज है, कैसे पोलराइज है, यू। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। अब आप देखोगे चश्मा लगाओगे, आपको डबल इमेज नहीं दिखाई देती, आपको एक इमेज दिखाई देती है। आप एक आई बंद भी कर लोगे तो भी आपको एक ही इमेज दिखाई देगी। अब जब आपको एक इमेज दिखाई देगी, इस बार एक एक्सपेरिमेंट करना, 3D मूवी देखने जाओ ना, एक आई बंद कर लेना चश्मा लगा के, आपको 2D में मूवी दिखाई देगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है, दूसरे पर्सपेक्टिव वो अनपोलराइज है। बात समझ में आई है? नहीं, सॉरी, वो इस तरह से पोलराइज है कि वो पास नहीं कर पा रही उसमें से जो आई ओपन है ग्लास में से। क्या बात समझ में आ गई? यस। तो अब देखो, एक तरफ की इमेज इसमें बनी, एक तरफ की इमेज इसमें बनी, एक इसमें एक इसमें, दिमाग दोनों को सिंथेसाइज करेगा, 3D में दिखाई देगा, इसलिए वो दो इमेज। तो मेथड ऑफ पोलराइजेशन देखो क्या होता है, कैसे कैसे आप पोलराइज कर सकते हो। तो मेथड क्या क्या है, एक तो है बाय स्कैटरिंग, एक है बाय रिफ्लेक्शन, एक होता है बाय निकोल प्रिज्म। यहां पे मान लो अनपोलराइज लाइट है। बात समझ में आई है? नहीं। कैसी लाइट है? अनपोलराइज लाइट है। यहां पे आपने एक निकोल प्रिज्म रख दिया, तो इसमें से जो पोलराइज लाइट निकलेगी ना, वो ऐसे ही निकलेगी, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि ये पोलराइज हुई या नहीं हुई, हाँ या ना? आपको पता ही नहीं चलेगा ये पोलराइज है या नहीं है। तो इसने तो पोलराइज किया, इसको बोलते हैं पोलराइजर। अब एक और लगाना पड़ेगा इसके आगे, जिसको बोलते हैं एनालाइजर। अब एनालाइजर क्या कर रहा है, एनालाइजर क्या कर रहा है, अगर ये ऐसे तो लाइट इधर आएगी, अगर इसको घुमा दिया जाए तो लाइट पास नहीं होगी। थोड़ी सी देर पहले मैंने यही दिखाया था आपको, एक मिनट ठहरो यार,
हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस सर। अब इसके अंदर क्या है? ये तो पोलराइजर है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेन में आती हाँ या ना, इधर तो इसी प्लेन में आती ना, इसको भूल जाओ एक बार, हाँ या ना? यस सर। तो इसके आगे जो वेव है, अगर मैं इसको चेंज करने लग जाता, ये देखो अगर मैं इसको वेरी करूंगा तो अभी क्रॉस नहीं हो रही, अब क्या करने लग जाती? क्रॉस करने लग जाती, अब क्रॉस भी करने लग जाती, हाँ या ना? अब पास हो रही है और घुमाते तो ये चीज क्या होने लग जाती? गायब होने लग जाती, हाँ या ना? तो इसको क्या बोलते हैं? एनालाइजर। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजर। ये बात समझ में, पोलराइजर और एनालाइजर के अंदर अंतर? तो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, पोलराइजर और एनालाइजर को देखो। ये अनपोलराइज लाइट है, इसके आगे लाइट पोलराइज होके बाहर आ रही है। इसके आगे एनालाइजर है, ये एनालाइजर है। अब सुनो, इसका एम्पलीट्यूड ए है मान लो, तो यहां से जो लाइट जाएगी यहां पे यूं जाएगी, और पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल मान लो थीटा है। क्या है दोनों के बीच का एंगल? थीटा। किस किस के बीच का एंगल है? पोलराइजर और एनालाइजर के बीच। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा, और एक ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट क्रॉस करके निकलेगा इस एनालाइजर में से? A cos theta। तुम्हें पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहां कहूं I not is proportional to A square था, हाँ या ना? तो इसके पार जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी? I is proportional to A square cos square theta होगा। Yes. और ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? आई नॉट। यहां तक बात समझ में? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मेलस। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मेलस। तो लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है? द इंटेंसिटी पासिंग थ्रू एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, हाँ है ना? ये बात समझ में? बात समझ में? रिपीट करना। लिखो लॉ ऑफ मेलस। इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट passing through analyzer is directly proportional to the square of is directly proportional to the square of
to the square of cos of angle, square of cos of angle between polarizer and analyzer. हाँ है ना? Yes. समझ में आ गया law of Malus? Yes sir. अब ध्यान से समझना, एक बात कहूंगा मैं तुम्हें, ये इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो पोलराइजर से बाहर निकलेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, याद रखना हमेशा, अनपोलराइज लाइट कभी पोलराइजर से बाहर निकले तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई टू, क्या हो जाएगी, इसके बाहर निकलेगी। अगर मैं कहता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45 है तो इसके बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी आई डैश वो कितनी हो जाएगी, यहाँ अब आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, तो ये वाली इंटेंसिटी कौन सी है जो एनालाइजर पे इंसिडेंट हो रही है, हाँ या ना? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, बात समझ में आई है नहीं? तो उसके पास होने के बाद की इंटेंसिटी, बिल्कुल। देख बेटा यहाँ का ए एम्पलीट्यूड लिया लिया ना, और जब भी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजेशन से पोलराइज होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधी। मैं लॉजिक बताऊं क्यों? Yes. लॉजिक yes. बताऊं, ऐसे मजे मजे में बता दूंगा। इसके अंदर से ये कंपोनेंट पूरा का पूरा जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल नहीं जाएगा, इसका एक पार्ट जाएगा, इसका भी एक पार्ट जाएगा, हाँ है ना? तो कुल मिला के आपको यहां से जो इधर जाएगी वो cos square की एवरेज वैल्यू जाएगी पार, और cos square की एवरेज वैल्यू क्या होती है सर? 1/2, 1/2, तभी I not by 2 जा रही है, हाँ है ना? बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. Yes. Sir, तो फिर वो वहां एंड में अगर थीटा 45 होगा तो फिर वो 1/4 हो जाएगी, बिल्कुल 1/4 हो जाएगी, ये आई नॉट दे रखी है तो यहाँ की आ जाएगी आई नॉट बाई टू, यहाँ की आ जाएगी आई नॉट बाई फोर। अब लॉजिक आ गया समझ में? सर तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक नॉर्मल लाइट को पोलराइज किया उसके बाद एनालाइजर में से वो निकाली लाइट, तो फिर उसमें हमें पहले आधी खुद करनी पड़ेगी? मैं कह रहा हूँ हो सकता है ये इंटेंसिटी दे, हो सकता है ये इंटेंसिटी दे, जो भी इंटेंसिटी दे बस उसी की फॉर्मेट में आपको आंसर निकालना है। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? मिटा दूं? लॉ ऑफ मेलस समझ में आ गया? फटाफट लिखो। yes. अब लिखो मेथड ऑफ पोलराइजेशन। सबसे पहले बाय स्कैटरिंग लिख लो, आज एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ लेना पोलराइजेशन, ठीक है ना? हाँ बेटा जी, आवाज आ रही है? यस। आज ये टॉपिक पढ़ लेना, मेथड ऑफ पोलराइजेशन, सबसे पहले बाय स्कैटरिंग। एक चीज सोचो, ध्यान से समझना, अगर यहाँ से लाइट जा रही है तो क्या कर रही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यू वेरी करते हैं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यू ऑसिलेट करेंगे न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, हाँ है ना? तो अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये बताओ आपकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ पहले, ऑसिलेट करेगा न्यू ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी तरफ या नहीं आएगी?
क्यों ऑसिलेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी आपके पास? अगर यूं पकड़ के यूं ऑसिलेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या आपके पास? नो सर, अब नहीं आएगी, क्योंकि समझ गए, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है। यूं करोगे तब तो वेव इधर जाएगी, इधर जाएगी, हाँ या ना, इधर जाएगी, समझ में आ रही है बात? यूं चारों तरफ जाएगी, यूं ऑसिलेट करोगे तो यूं चारों तरफ जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। अब मान लो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट आ रही है, तो अनपोलराइज में ये होगा, ये वाइब्रेशन होगा, तो इसके कारण ये यूं वाइब्रेशन करेंगे, तो ये जो वाइब्रेशन करेंगे इसके कारण इधर वेव जाएगी क्या, ईएम वेव? ये यूं ऑसिलेट कर रहा है, यूं ऑसिलेट कर रहा है, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसी प्लेन में आएगी आपके पास? यस सर। ये जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसका भी कुछ कंपोनेंट आएगा तो भी इसी प्लेन में आएगा आपके पास? तो इधर से तो अनपोलराइज लाइट आ रही है मेरे पास, पर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट हमेशा इसी प्लेन में मिलेगी आपको? यस। तो इधर वाले लोगों को पोलराइज लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस मिलेगी। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। कौन सी डायरेक्शन में होता है? इंसिडेंट डायरेक्शन से। ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, अगर यहाँ से स्कैटरिंग होगी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही, वो क्या होगी? 100% क्या होगी? पोलराइज होगी। क्या बात समझेंगे? इससे अलग एंगल पे अगर आप जाओगे, मान लो आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो आपको पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेगी। क्या मिलेगी? पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेगी। लॉजिक समझ में आया? आवाज कम हो गई। बिल्कुल आवाज कम है, पहले से कम हो। एक मिनट दो, आ रही है भी आवाज? तो आ रही है? यस। पहले से ठीक? यस ठीक है। अब ये लॉजिक समझ में आ गया? इंसिडेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेज क्या होती है, स्कैटर करती है, वो क्या होती है? पोलराइज होती है, पार्शियली होती है, कंप्लीट पूरी की पूरी पोलराइज। तो भाई स्कैटरिंग समझ में आ गया, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। यस सर। एक और इसकी रीडिंग लगा देगा, समझ में तो आ रहा है ना सब अच्छे से? वॉइस फिर से कम होगी। आ रही आवाज? यस सर। आवाज आ रही है? आवाज है बेटा? यस सर। क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। आपकी बीच बीच में कम हो रही है ना? यस सर। एक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन देखो क्या होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो। अगर आपके पास कोई अनपोलराइज लाइट आ रही है, डॉट का मतलब समझ रहे हो क्या है? ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, समझ में आ गई बात? तो एक वेक्टर में ये है, एक में ये है, तो इधर जो रे आएगी उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेन में ही होगी ना, समझ आ रही मेरी बात? यस सर। अब जो रे इधर आएगी, एक टकरा के इधर जाएगी,
ना, मैं कहता हूं अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है तो इस डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्शन जाएंगे वो यही जाएंगे, ये वाले वाइब्रेशन ही पास होंगे इसमें। लेकिन इधर जो वाइब्रेशन जाएंगे वो सिर्फ ये वाले जाने चाहिए लॉजिकली। आ समझ में आई या नहीं आई? जो वाइब्रेशन ये हो रहा है इसका चार्ज पार्टिकल ये ऑसिलेट करेगा तो क्या इधर वेव जाएगी ये वाली? नो सर। तो कौन सी जाएगी जो ऐसे ऑसिलेशन होंगे? हाँ या ना? जो ये ऑसिलेशन होंगे उसी की तो वेव इधर जाएगी, लेकिन इधर ये वाले ऑसिलेशन भी जाएंगे। हाँ या ना? इधर दोनों जाएंगे लेकिन इधर सिर्फ कौन से ऑसिलेशन जाएंगे? सिर्फ ये वाले। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? ये जो ऑसिलेशन है उसकी वेव इधर नहीं जाएगी। यस। तो एवा बताओ ये तो पार्शियली पोलराइज होगी ना, क्योंकि कुछ ये वाली वाइब्रेशन इधर चले गए तो इधर कम गए होंगे ना, ये वाले गए तो होंगे इधर भी। तो रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज हो जाएगी जब इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल क्या हो जाए? 90 degree हो जाए। क्या हो जाए? 90 degree। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? 100% पोलराइज हो जाएगी। तो एक बार लगाओ 1 into sin i स्नेल्स लॉ इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर होगा। यस। अब तुम्हें ये पता है ये भी आई है तो R को तुम क्या लिख सकते हो? 90 minus i लिख सकते। R को क्या लिख सकते हो? तो ये तो लिख सकते 90 minus i i plus r 90 degree है। Yes। तो R को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 minus i तो cos r लिख सकता हूं, cos i लिख सकता हूं sin r को। Yes। तो ये क्या बन जाएगा? 10 i बन जाएगा। तो i किसके बराबर आ जाएगा? 10 inverse μ। इसका मतलब अगर इंसिडेंट एंगल 10 inverse μ के बराबर है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या होगी? 100% पोलराइज होगी। तो अगर मैं सिंपल ये कहूं, अगर मान लो ये चीज √3 है तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट हो ताकि रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी की पूरी पोलराइज हो? इसमें कंप्लीट कैसे होगी? आपने कहा था ना आधी होगी। इधर वाली होगी पार्शियली। मेरे को बताओ इधर जो रे आ रही है उसमें दो ही वाइब्रेशन होंगे, या तो इस प्लेन में या इस प्लेन में या इस प्लेन में। हाँ या ना? यस सर। भाई इधर ही आ रहा है तो इससे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे होंगे ना। अब जो इधर से वाइब्रेशन हो रहे जो चार्ज पार्टिकल वो वाइब्रेट हो रहा है, हाँ या ना? तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाएगी नहीं ना। इधर कौन सी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिर्फ ये वाली। तो इधर तो ये वाली भी जाएगी इस डायरेक्शन में और ये वाली भी जाएगी, तो ये तो होगी पार्शियली पोलराइज्ड और ये होगी कंप्लीटली पोलराइज्ड। हाँ या ना? तो जब इन मैं कह रहा हूं अगर जब ये √3 हो जाए तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा? 60 degree। तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 और आपका इंसिडेंट एंगल कितना हो जाए? 60 degree। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या होगी? कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। क्या होगी? कंप्लीट पोलराइजेशन। उसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ बोलते हैं इसको। बात समझ में आई या नहीं? ये पूछा जाता है व्हाट इज ब्रूस्टर लॉ। इट स्टेट्स दैट, लिखो ब्रूस्टर लॉ, लिखो लिखो। इट स्टेट्स दैट states
it states that reflected light from a medium is completely polarized. Reflected ray from a medium is completely polarized if angle of incidence, if angle of incidence is equal to tan inverse mu. क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर. ये वाला पोलराइजेशन समझ में आ गया तुम्हें? यस. पक्का? कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, फिर करो इंजॉय आराम से. आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया बेटा. एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना इसकी, ठीक है? ओके सर. लेक्चर अपलोड कर देंगे. ठीक है, करवा देंगे. सर पिछले वाले भी कर देना. ओके बाय बाय. थैंक यू सर. ओके बच्चे. थैंक यू सर.